चिराग जी और आप लोग किस तरह से एक साथ होंगे अलग अलग ही चुनाव? अरे जंगल में शेर भालू सब रहता है, चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो उसको कोई आपत्ति नहीं। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। वोट कहाँ, वोट का बंटवारा नहीं हो तो हम इसके पक्षधर हैं। चिराग पासवान जी NDA में आवे, हम उसका स्वागत करते हैं। कब तक मिल जाएगा चाचा भतीजा? मिलेंगे नहीं, लेकिन देखिए समय की पुकार है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। और NDA में चिराग पासवान जी यदि आना चाहते हैं और NDA के लोग यदि बुलाना चाहते हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें चिराग जी और आप लोग किस तरह से एक साथ होंगे अलग अलग ही चुनाव? अरे जंगल में शेर भालू सब रहता है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जंगल में रहता है ना, हजारों जीव है। NDA गठबंधन बड़ी पार्टी है, विश्व के पैमाने पर भाजपा का संगठन है और बिहार देश में NDA गठबंधन है। यदि इसमें चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो उसको कोई आपत्ति नहीं। 77% आरक्षण झारखंड में दिया गया है, जितेंद्र मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि होगी बिहार में जो है आरक्षण इतना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एकदम मिलना चाहिए, निश्चित देखिए मिलना चाहिए। झारखंड में जितने 77% आरक्षण मिला, इसके पहले भी साउथ में मिलता था 77% आरक्षण था, तो निश्चित रूप से हम इसके समर्थक हैं। जितना नाम मांझी जी का जो बयान है हम उसका समर्थन करते हैं। सर एक सवाल और, ये RCP सिंह ने कहा है कि शराबबंदी है बिहार में, नीतीश कुमार हट किए हुए हैं, राजस्व का घाटा हो रहा है, निर्दोष लोग जो है कई लोग जो है पकड़े जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है और शराबबंदी में आप देखिए कि शराबबंदी में नुकसान किसका हो रहा है? शराबबंदी तो है नहीं, जिस शराब की कीमत 200 रुपया था आज 1500 मिलता है, पैसे वाले लोग पीते हैं और गरीब लोग पी के मर जाता है और पकड़े जाते हैं। आप जेल में क्या आप ले लीजिए आंकड़ा कि यदि जेल में शराबबंदी में 5000 लोग जेल में बंद हैं कैदी के रूप में, तो निश्चित रूप से 45% लोग गरीब जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, और हजारों महिलाएँ विधवा हो गई, शराब पी पी के लोग मर गए, हजारों महिलाएं विधवा हो गई। जो जीतनराम मांझी जी का डिमांड है या कांग्रेस का अभी कई MLA का बयान आया है, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से शराबबंदी के नियम में शिथिलता आना चाहिए और सरकार इस पर पुनर्विचार करे। देखिए तो भविष्य के गर्भ में देखिए एक बात जान लीजिए भाई साहब, ये व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय की पुकार जब समय आएगा तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। विकल्प खुला हुआ है कि भविष्य में चाचा भतीजा एक हो सकते हैं एक ही दल में, विकल्प खुला हुआ है? प्रायश्चित पहले तो करें लोग, प्रायश्चित करें, प्रायश्चित के बाद मैंने कहा कि समय बलवान है, देखा जाएगा। जी मेरा विभाग जो है फूड प्रोसेसिंग, मैं उसके लिए बहुत प्रयत्नशील हुई हूँ और मैं उस तरफ काम भी कर रहा हूँ और जनवरी के प्रथम सप्ताह में हाजीपुर में उसका ऑफिस भी खुलने जा रहा है। अब बिहार सरकार क्या कर रही है मुझको पता नहीं है, हाँ मैं तो बात भी कह रहा हूँ कि यदि बिहार सरकार मुझको जमीन दे दे तो मैं यूनिवर्सिटी खुलवा दूँगा।